पेशेंस सबके पास नहीं होता, और हाईएस्ट क्वालिटी का पेशेंस तो बहुत रेयर होता है। ज्यादातर लोग हॉस्पिटल में जाके ही पेशेंस अचीव कर पाते हैं, तभी शायद उनको पेशेंट बोलते हैं। बी पेशेंट कहीं ना कहीं तो सुना होगा तुमने। स्कूल में कभी किसी टीचर ने तुम्हें या किसी और बच्चे को हमारे उतावलेपन को कंट्रोल में लाने के लिए प्लीज बी पेशेंट जरूर कहा होगा। आदित्य अच्छा ना उछल, बी पेशेंट। इसका मतलब क्या है? हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाओ, पेशेंट बन जाओ। इसका मतलब यह है कि सब्र करो, क्योंकि आदित्य सब्र का फल मीठा होता है बेटे। लेकिन आजकल फास्ट फूड की लाइफ में हमें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, एकदम यूं, बिल्कुल अमेजॉन प्राइम की तरह सेम डे डिलीवरी। पर पता क्या, वर्कआउट में और लाइफ में डिलीवरी बॉय हम हैं, और इस डिलीवरी बॉय के लिए सेम डे एवरीडे है, और डिलीवर हमें अपने काम पे अपनी मेहनत को करना है। एक दिन का सीएम तो बस पिक्चरों में बना जा सकता है, फिट बॉडी हो या एक अच्छा पॉलिटिकल करियर, दोनों के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर पेशेंस ना हो तो हम थोड़े से काम में ज्यादा रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, और जब तक हमारा एक्सपेक्टेशन का ग्राफ हमारे रियलिटी के ग्राफ से ऊपर रहेगा, तब तक उसका रिजल्ट हमेशा दुख ही रहेगा। हमारी पेशेंस का, हमारे सब्र का सबसे बड़ा टेस्ट लेने वाले हम खुद ही तो हैं। कभी बचपन में वो एक्सपेरिमेंट किया होगा कि बीज डाला, उसको मिट्टी में दबा दिया, फिर उस पर पानी डाला और फिर उसको भूल गए, लेकिन एक दो दिन बाद वो बीज अंकुरित होकर एक कोमल से पौधे को जमीन से बाहर निकाल देता है। ये एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी में होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा लेसन हमारी जिंदगी से जुड़ा होता है। कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल, तो डालना, लेकिन पहले खुद पे थोड़ी नेकी भी तो कर। पेशेंस जितनी बड़ी हो उतना अच्छा है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, घंटे की सुई को एक घंटे तक देखते रहो, बस एक घंटा करके देखो, अपनी पेशेंस को थोड़ा सा टेस्ट करके देखो।